जो लोग मैयर रोपे से जाना चाहते हैं, आज के वीडियो में हम उसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोपे में कितने लोग जा सकते हैं। तो अगर आप मैयर माँ के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप रोपे से जाना चाह रहे हैं तो आप एक रोपे एक गाड़ी में चार लोग बैठ सकते हैं। अब रोपे की किराए की बात करें तो जो लोग विकलांग हैं उनके लिए कोई किराया नहीं लगता है, और जो बच्चे 3 साल के नीचे हैं उनका भी कोई किराया नहीं लगता है। जो बच्चे 3 से 10 साल की एज के अंदर हैं और वो दोनों तरफ से ट्रेवल करना चाहते हैं रोपे से, तो उनका शुल्क 100 रुपीज़ लिया जाएगा। और वहीं पे अगर 3 से 10 साल की उम्र के अंदर के बच्चे माता मंदिर लोअर रोप वे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ पर उनसे 85 रुपीज़ शुल्क लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एडल्ट लोग की, जो 10 साल के ऊपर हैं, अगर वो रोपे से माँ के दर्शन करने जाते हैं, दोनों तरफ का जो उनका चार्जेस है वो है 150 रुपीज़, 150 रुपये पर व्यक्ति। और वहीं अगर आप लोग माता मंदिर लोअर स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ पर आपसे 100 रुपीज़ शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मंथली पास भी बनता है। जो एडल्ट हैं उनकी बात करें, दोनों तरफ से ट्रेवल करने के लिए मंथली उनको 1500 रुपये चार्ज देना होगा, और जो बच्चे हैं अगर वो दोनों तरफ से ट्रेवल करना चाहते हैं मंथली तो उनको 850 रुपये का शुल्क देना होगा। मंथली पास की पूरी जानकारी आपको मैयर रोपे सेंटर्स पे मिल जाएगी। दोस्तों रोप वे की अगर समय की बात करें तो ये सुबह 6:30 बजे चालू हो जाता है, उसके बाद ये शाम के 7:30 बजे तक चलता है। बस कंडीशन है, अगर वेदर थोड़ा बहुत 19-20 कुछ होता है या ख़राब होता है तो समय आपका सारणी जो है थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। बाकी जो उसका समय है सुबह 6:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 7:30 बजे तक चलता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी आपको रोपवे की मैयर जाने के लिए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथ में अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर और जवाब हम नीचे दे पाएँ।